और हमारे साथ एके मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, पोलिटिकल एक्सपर्ट है, उनसे बात करते हैं। एके मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज भारत। थैंक यू मैम, थैंक यू। एके मिश्रा जी, आज देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, और जिस तरह से अब जो तस्वीर सामने आ रही है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन टैबलेट के जरिए सामने आई और टैबलेट के जरिए वो इस बजट को पेश करने की बात कहती भी नजर आई, तब ये देश के लिए एक बहुत बड़ा पल था कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर सरकार का इस तरह से अब फोकस है, और इसका कारण है कि अब दुनिया की नजर अब इस बजट पर है। मैम देखिए, आपका कहना सही है, ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इसलिए भी है कि कोविड में जहां ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन था, इंडिया में भी गवर्नमेंट से लेकर जितने सेक्टर हैं सब में स्लो डाउन रहा है। ये एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि बजट को ऐसे इंटीग्रेट करना है कि सारे सेक्टर को बेनिफिट हो, स्लो डाउन को तोड़ करके इंडिया का एक जो है बैक जंप स्टार्ट बाउंस बैक जो है कैसे करते हैं, इस चीज को देखना है। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस कसौटी पे बहुत खरी उतरेगी, और कोशिश वो ये करेगी कि अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ, यानी भारत सरकार का राजस्व जो पैसे इकट्ठे कहाँ से करते हैं वो अपेक्षा है, उसके साथ साथ अपने देश के सारे सेक्टर्स, चाहे वो एग्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे एक कॉमन आदमी हो, उनके एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करे। ये इंटीग्रेशन इस बजट में झलकेगा। दिस विल बी अ विजडम फॉर द प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना मैम। देखो एक मिश्रा जी, एक चीज इंटरेस्टिंग और चीज ये भी है कि जिस तरह से देश के जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों जो कृषि कानून है उसको लेकर कई सवाल उठे और उसका विरोध किया जा रहा है, तो ऐसे में कृषि सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी उम्मीदें जो है किसानों की वो लगी हुई है, तो क्या वो उम्मीदें पर खरा उतर पाएगी सरकार? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक आंदोलन को देखना। आंदोलन को मैं ये बोलूंगा, डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा और जोर दे के बोलूंगा कि जो मुद्दे थे, जो रियल मुद्दे थे कि किसानों की इनकम कैसे बढ़े जो है, वो शायद पीछे हो गया है, और ये आंदोलन एक आंदोलन के रूप में ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हट वाली बात हो गई है कि हमारी बातों को माना जाए। रही बात कृषि सेक्टर के जो है कल्याण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कृषकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, सरकार ने पहले भी बहुत सारे जो है बजट में या प्रोविजंस दिए हैं, कुछ छूट दी है टैक्सेशन में या और भी जो बेनिफिट हो सकते हैं, और इस बजट में भी कुछ न कुछ स्पेशल प्रोविजन ऐसा मिलेगा जो कि कोविड पीरियड में इकलौता पॉजिटिव ग्रोथ अगर किसी ने दिया था तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। लगभग 3% के आसपास इसकी ग्रोथ रही है, तो ये एक इकलौता सेक्टर ऐसा था जो कि कोविड के कारण अफेक्टेड नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो सरकार ने ऐलान किया था किसानों की आय दोगुनी करने की, वहाँ पर तो वो बिल्कुल पीछे नजर आ रही है सरकार, तो ऐसे में कितनी उम्मीदें एक बजट से लगाई जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बजट में ऐसे प्रोविजंस दिए जाते हैं, बजट एक स्ट्रेटेजिक टूल होता है, वहाँ पे ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं कि वो सेक्टर मूव करे आगे की तरफ। बजट में जो प्रोविजंस दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं, अगर वो एक्चुअल में किसानों तक पहुंचता है, डिलीवर होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की गाड़ी चलना शुरू होती है, उसके पूरे रिएक्शन में, एक चैन रिएक्शन में जो है वो किसानों की इनकम बढ़ती है। पहले प्रोविजन को देख लेते हैं, उसके बाद बजट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो धीरे धीरे करके जो है किसी भी पर्टिकुलर किसानों की या किसी व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल होती है, जो इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी इसमें किसानों का जो है डबल इनकम को डबल करने का जो प्रतिज्ञा सरकार की है, मुझे लगता है कि सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए बहुत सारे वो फेर बदल कर रही है, जो भी जरूरी होगा। मुझे लगता है कि सरकार जो है वो इस प्रोविजन को लाएगी, किसानों के मदद के लिए जो भी चीजें जरूरी होगी उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए वो करेगी, कुछ न कुछ इसमें भी प्रोविजन होगा। इस बजट में भी मुझे उम्मीद है कि एक स्ट्रांग प्रोविजन किसानों के लिए कुछ न कुछ होगा जरूर। बिल्कुल, एक और चीज, एक पहलू और जाना चाहेंगे कि बैड बैंकिंग को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है, और जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे कि जो बैंक है वो कर्जे में डूबे जा रहे हैं और उनका पैसा बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, तो उसको लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। देखिए, इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए हैं कोविड के कारण, और बहुत सारे फैक्टर हैं ग्लोबल लेवल पे, विदेशों में तो बैड बैंकिंग ऑलरेडी चल ही रही है, अमेरिका में सबसे पहले ओपन हुआ था, जो एनपीए है वो अपने आप में लगभग इतना बढ़ता जा रहा है कि उसको मैनेज करने के लिए एक सेपरेट डिवीजन की आज जरूरत महसूस हो रही है। आप ये देखिए, जैसे किसी कंपनी में किसी एक सेक्टर में अगर वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसके लिए एक डिवीजन बना देते हैं, अगर इस पर्पस से बनाया जाए, हालांकि उसके फायदे नुकसान अपने हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि जब अगर इकोनॉमी को इतना बड़ा हमें लेके जाना है तो एनपीए भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, नुकसान घाटे भी बढ़ेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए एक अलग सेक्टर होना जरूरी है। और ये प्रयास भी अगर ठीक तरीके से काम करता है तो गवर्नमेंट का सराहनीय प्रयास है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक सेपरेट डिवीजन बना दिया जाए, सेपरेट बॉडी बना दी जाए जो केवल और केवल उसी प्रॉब्लम को फोकस करेगी। जी एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले बजट में भी ये सवाल उठते रहे हैं कि जो डिफेंस जो सेक्टर है उसको लेकर बजट कैसा होना चाहिए, और जब भी बजट आता है उसको लेकर तो कई सवाल खड़े होते हैं कि देश की रक्षा के लिए बजट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो आपकी आपकी समझ से किस तरह का बजट डिफेंस सेक्टर को लेकर होना चाहिए जब देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। देखिए, डिफेंस का बजट ही केवल एक ऐसा बजट होता है जिसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, और इतिहास गवाह है कि वही सभ्यता आगे बढ़ी है, उसी ने पूरी दुनिया को लीड किया है जिसका डिफेंस हमेशा मजबूत रहा हो, सुरक्षा तंत्र मजबूत रहा हो। मैं समझता हूँ कि ये सरकार इस चीज को समझती है, और नई चुनौतियां भी हमारे पास आई है, हमारे पड़ोसी जो है ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, और ग्लोबल लेवल पे इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि एक मजबूत डिफेंस के लिए मजबूत डिफेंस बजट की जरूरत है, और सरकार यहाँ पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इवन कोविड पीरियड में भी इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, तो जो सरकार का रवैया मुझे दिख रहा है वो डिफेंस बजट के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। और सबसे खास बात डिफेंस बजट में ये होगी कि अभी तक जो हमारी निर्भरता विदेशों पे होती थी आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए, अब वो ये होगा कि वो टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करें और स्वदेशी तकनीक से अपने ही देश में इन चीजों को बनाया जाए। बिल्कुल, इसी बात से मैं जिस तरह से दर्शकों को भी तस्वीर लगातार दिखा रही हूँ कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो टैबलेट के जरिए, वो एक टैब के जरिए इस बजट को पेश करेंगी जिसकी तस्वीरें लगातार हम भी दिखा रहे हैं। तो मिश्रा जी, जिस तरह से एक कोशिश की गई है ये बताने की जो कि सरकार जो है वो काफी ज्यादा फोकस है मेक इन इंडिया अभियान को लेकर। देखिए, मेक इन इंडिया, आप मैं फिर से आपको हजारों साल पहले इतिहास में लेकर के जाऊंगा। भारत जब भी विश्व गुरु था, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो बड़ा स्ट्रांग था। स्ट्रांग ऐसा था कि उस वक्त भी हम रस्ट प्रूफ आयरन यानी ऐसे लोहे बनाते थे जिसमें कभी जंग नहीं लगती थी। आज जरूरत फिर यही है। देखिए, टारगेट अपने देश का 120 करोड़ लोगों का टारगेट ये सेम है कि हम ग्लोबल लीडर कैसे बने, और ग्लोबल लीडर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपकी उत्पादकता बढ़े। तो मेक इन इंडिया ही एक ऐसा मंत्र है, यानी भारत में निर्माण ही एक ऐसा मंत्र है जो कि जीडीपी को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। जीडीपी बढ़ेगी तो एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी की लाइफ स्टाइल में भी फर्क आएगा। तो मेक इन इंडिया को तो प्रमोट हर हाल में करना ही है। जी, और इसके जरिए चीन को सबसे बड़ा सबक सिखाने का ये एक बहुत बड़ा जरिया भी है। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि हम किसी को भी सबक सिखाने के चक्कर में अपने देश की फिलॉसफी नहीं रही है, हम कभी नहीं पढ़ते हैं। हमारा तो सिद्धांत, हमारे देश का सिद्धांत ये है कि अपने आत्म ग्रोथ को, यानी कि अपने आप को ग्रो करते हुए पूरी दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाना या सबका ग्रोथ हो, सबका भला हो। मैं समझता हूँ कि चीन एक इंस्टेंट वे में आया जरूर है, उसकी कुटिल नीतियां हैं, लेकिन हमारा बेसिक फिलॉसफी ये नहीं है कि हम चीन सेंट्रिक होकर कोई चीज करें। हम अपने आप को, जो हमारे कॉम्पिटिशन है, जो हमारे चैलेंजेस हैं, हम उनको कॉम्पीट कर रहे हैं रेदर देन किसी एक देश को कॉम्पीट कर रहे हैं। जी, मैं क्योंकि समय भी हो गया है, मैं इसलिए आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि कितनी उम्मीदें इस बजट से रखनी चाहिए आम जनता को। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत इस वक्त, चाहे वो सरकार हो, चाहे डिफरेंट सेक्टर हो, चाहे एक मामूली सामान्य आदमी हो, अपेक्षाएं होना जरूरी है। सरकार को जनता से अपेक्षाएं होनी चाहिए, जनता को सरकार से, हर सेक्टर को, हर एक जितने भी कंपोनेंट हैं सबको एक दूसरे से अपेक्षाएं होनी चाहिए। अगर अपेक्षाएं नहीं होंगी तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ के चांसेस नहीं होंगे। सभी को मैं शुभकामना दूंगा कि आपकी अपेक्षाएं हमेशा ही राष्ट्र निर्माण के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए, और अच्छी और बड़ी अपेक्षाएं रख करके ही बड़ा बना जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के, और ये तमाम थैंक यू जानकारी देने के लिए।